भारत की कोवैक्सीन अब सवालों के घेरे में आ गई है। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया है। नई स्टडी में पता चला है कि कोवैक्सीन लगवाने वाले लगभग एक तिहाई लोगों में एक साल बाद साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रिसर्च में यह पता चला है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना महामारी से बचने के लिए बने वैक्सीन अब सवालों के घेरे में है। कोविशील्ड के बाद भारत में बने कोवैक्सीन पर भी सवाल उठ रहे हैं। BHU के रिसर्च में कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट की बात निकलकर सामने आई है। रिसर्च साइंस जर्नल स्प्रिंगर लिंक में पब्लिश हुआ है। इन साइड इफेक्ट में सांस संबंधी इन्फेक्शन, स्किन से जुड़ी बीमारियां, ब्लड क्लॉटिंग, पीरियड्स में दिक्कतें जैसी परेशानियां हैं। हालांकि ICMR के पूर्व DG का कहना है कि दुनिया में जो भी वैक्सीन है उनमें साइड इफेक्ट होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब ये कोविड की महामारी हो रही थी तब लोग चींटियों की तरह मर रहे थे, तो उस वक्त वैक्सीन जरूरी था। और जितने भी वैक्सीन दुनिया में हुए हैं हर एक में साइड इफेक्ट हुआ है। कोई भी वैक्सीन जो अभी भी यूज हो रहा है कहीं पर, ऐसा नहीं होता कि साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन COVID-19 के जो वैक्सीन बने हैं उनमें कुछ खास साइड इफेक्ट्स होते हैं जो सारे वैक्सीन में एक ही जैसे हैं। BHU ने वैक्सीन लगने के एक साल बाद लोगों पर रिसर्च की, वहीं वैक्सीन पर ICMR ने फॉलोअप लिया है। NK गांगुली की माने तो कोरोना महामारी से बचने के लिए वैक्सीन का तब फॉलोअप नहीं लिया जा सकता था। ये कोई बोल नहीं सकता, जब वैक्सीन यूज होता है उस वक्त इमरजेंसी अप्रूवल में वैक्सीन यूज हुए थे, और जब इमरजेंसी वैक्सीन के हिसाब से